और दरबारों से तंत्र मंत्र की हुई तमाम चीजें लाई जाती है अनजाने में, आपको पता भी नहीं होता है। आपको ये भी पता होता कि आप ला क्या रहे, आपको नहीं लगता कि हम अच्छे हो जाएंगे, बस ये एक कल्पना रहती है अंदर। लेकिन होता ऐसा ठीक होता है, ये सब गंदी सारी चीजें जो आप भ्रम ले आए हो, इसका असर बहुत व्यापक होता है आपकी ब्लड डाइट में, आपके डीएनए में। तो तमाम दरबारों से, तमाम ओझा मौलवी मुल्ला, तमाम तांत्रिक जो विद्या से कोई चीज लाते हैं, उनमें बहुत गंदगी होती है। और खास तौर से जो आपने तंत्र मंत्र कराया है और किसी ने आपको ऐसी चीज दी कि आपने ला करके अपने घर के अंदर उसको गाड़ दिया जमीन के अंदर, जो वस्तु लाकर अपनी जमीन के अंदर आप गाड़ देते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपके शरीर में एक पृथ्वी तत्व भी है जो पंच महाभूत है, पंच तत्व जो पांच तत्व हैं उनमें पृथ्वी तत्व भी है। और आप करते क्या हैं, उस वस्तु को ला करके आप पृथ्वी के अंदर उसको गाड़ देते हैं, यानी आप उसको अपने शरीर के अंदर स्थान दे दिया। अब आप पूरी तरह जाएंगे, पूरे के पूरा प्रभावी है, आपको लगता है सर कुछ होगा तो जमीन का गाड़ दिया है, आपने एक मजार अपने घर में बना दी। आपको पता मिल जाएगा कि यहाँ पे मजार बनाई गई है और प्रेतों का बैठने का रुकने का सोने का अभाव बना दिया आपने, और कहीं आपने वो दरबार बजा है, कहीं मजार कहीं आपने है। अगरबत्ती सुलगाना शुरू कर दिया तो परमानेंट काम हो गया, आपने जगह भी दे दी और भोजन भी दे दिया। फिर ये चीजें आपको जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती, मरने के बाद भी नहीं, और यही काम आपके पूर्वजों ने किया, इसीलिए पीछा नहीं छूटा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ कहते हैं, कई बार आपको बताता हूं, अध्याय 9 श्लोक 25 में साफ साफ कहते हैं जीवन की चार श्रेणियां हैं। पहली स्वयं भगवान की, दूसरी देवी देवताओं की, तीसरी श्रेणी पितरों की है, और चौथी अंतिम श्रेणी भूतों की बताई। और ये कहा कि जिसकी आप पूजा करते हैं उसके साथ आपको मृत्यु के बाद अगले जन्म तक रहना पड़ता है। अब अगर सूक्ष्म शरीर की आपकी प्रेत योनि की आयु 500 वर्ष है, 600 वर्ष है, तो आपको 500 से 600 वर्ष तक उन प्रेतों के बंधन में रहना पड़ता है, क्योंकि आपने प्रेतों की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं जिसकी पूजा की है आपने, जिसकी करोगे मृत्यु के बाद अगले जन्म तक होने तक, नया जन्म होने तक आपको इनके बंधन में रहना पड़ेगा, इनके साथ रहना पड़ेगा। अगर आपने देवी देवताओं को खुश किया, उनकी वंदना आराधना पूजा की है और उनको आपसे प्रेम हो गया है, आपको उनसे बहुत श्रद्धा है, तो मृत्यु के बाद अगले जन्म होने तक आपको देवी देवताओं के साथ रहना होता है, वह सुख भोग के, और अगला जन्म आपका बहुत आराम से होता है। तो आपने क्या बना लिया, मजार, और पूज डाली आपने, आपके पूर्वजों ने, आप फंसे। इसीलिए जब यहाँ आप आते हैं देखते हैं, दो दो सौ वर्ष, तीन तीन सौ वर्ष, चार चार सौ, पांच पांच सौ वर्ष पुराने पूर्वज आके निकलते हैं और बातें करते हैं। ये सब संकट अनजाने में पैदा होते हैं, कोई जानबूझ के संकट नहीं लेता। 90% जो संकट है वो अनजाने में होता है,
और वही आपने किया, जिसके कारण सारा फसाव है। और यह वस्तु जो आपने घर में लाके रखी भगवत के रूप में।